इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी एओसी रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर जो है आवेदन प्रोसेस के बारे में। काफी सारे कमेंट जो है हमको देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली मेल भी हमको आ रहे हैं। काफी सारे जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि सर एओसी का जो है आवेदन शुरू हो गया है, वीडियो लेकर आइए। काफी सारे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो देखा कि काफी सारे लोगों ने वीडियो भी बना दिया हुआ है कि एओसी का जो है आवेदन शुरू है, ऐसे भरे फॉर्म। हालांकि वो भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन वो जो है एक रियलिटी जो चीजें हैं उसको वो छुपा के जो है फॉर्म फिल करके बता दिए हैं। अभी मैं आपको पूरा रियलिटी जो है खुल के बताने वाला हूं कि क्या एक्चुअल में एओसी में जो वैकेंसी निकाली गई है ट्रेड्समैन और फायरमैन की, जो 10वीं पास पे है, 2212 पद रहने वाले हैं इसमें, क्या इसका आवेदन शुरू हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर आवेदन शुरू हो गया है तो कैसे आपको आवेदन करना है, क्या करना है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप जो है गलत चीजों में न पड़े। सही इंफॉर्मेशन लीजिएगा तो आपके भविष्य के लिए भी सही रहेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आएंगे ना तो यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन है, नोटिस का भी ऑप्शन है, रिजल्ट वगैरह सब चीज का यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे भी देखिए अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, कैंडिडेट्स लॉग इन साइन अप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल जा रहा है, यानी आप जो है इजिली यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ लॉग इन करके आप जो है पोस्ट को चूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हकीकत है, आप करके देखिएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन 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 रुकिए, आपको अभी नहीं करना है, अभी वैकेंसी जो है आवेदन शुरू नहीं हुआ है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं दिखाता हूं एक नोटिस, आप नोटिस मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यही नोटिस काफी सारे जो यूट्यूबर भाई लोग हैं वो नहीं बता रहे आप लोगों को। अभी आवेदन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं अभी लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में, यहां पे अभी नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया, देख रहे हैं ना पे। अब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो है अभी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट में है, अंडर डेवलपमेंट मोड में है, अभी जो है इसके अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मतलब वेबसाइट को अच्छे तरीके से काम करने के लिए सुचारू रूप से जो है फॉर्म भराए, फिलअप हो, उसके लिए यहाँ पे अभी तैयारी किया जा रहा है, मतलब तैयार किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं ना, सारा का सारा जो है यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे तो नोटिस वाले सेक्शन में भी आपको कोई भी यहाँ पे जो है वैकेंसी वगैरह नहीं दिखाई देगी। कैंडिडेट्स कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एग्जामिनेशन के बारे में, सैंपल क्वेश्चन के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में। लेकिन अब अप्लाई करेंगे ना तो इजिली अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है एक मैसेज जनरेट हो रहा है। कैसे होगा, तो जब आप वेबसाइट को खोलेंगे ना, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ पे वेबसाइट खोलते ही ऊपर में इस तरह से आएगा। लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको कट कर दे रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ ये चीज मेंशन किया गया है, प्लीज डू नॉट रजिस्टर, यानी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है कि अभी आप जो है रजिस्टर ना करिए। नो वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट इन एओसी हैव बीन पब्लिश, मतलब जो है एओसी में अभी तक कोई वैकेंसी जो है पब्लिश नहीं किया गया है। वेबसाइट इज अंडर टेस्टिंग, जो वेबसाइट ये बनाया जा रहा है, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये अभी अंडर टेस्टिंग में है। इसके बाद बोला गया है कि ऑल इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन कैंडिडेट्स कॉर्नर ऑन वेबसाइट इज सैंपल, रजिस्ट्रेशन डन बाई एप्लीकेंट आर इनवैलिड। अगर आप गलती से रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं तो वो जो है इनवैलिड माना जाएगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये चीज जो है यूट्यूबर भाई लोग नहीं बता रहे हैं, व्यूज पाने के चक्कर में जो है वो लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करके जो है दिखा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्म को भरना है। अप्लाई तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए कैंडिडेट्स लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इजिली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं, फॉर्म भरने का कोई भी फी भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट कर सकते हैं फॉर्म भर के। लेकिन लेकिन मैंने आपको दिखाया ना ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस जो है वेबसाइट खोलते ही ऊपर में आ रहा है कि आपको जो है आवेदन अभी नहीं करना है। तो आप लोग का एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि तो फिर ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से, ये वैकेंसी आई कहाँ से। देखिए फ्रेंड्स बता देता हूँ, वैकेंसी का जो भी प्रक्रिया होता है, जो इस टाइप की वैकेंसी आती है डिफेंस वाले सेक्टर में ग्रुप सी टाइप के, सबसे पहले जो वैकेंसी पब्लिश होता है वो डीएवीपी की वेबसाइट पे पब्लिश होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये है डीएवीपी का ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट नंबर, और 20 सितंबर को इनके द्वारा, ये देख रहे हैं सिग्नेचर यहाँ पे है, जो कमांडेंट है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर में, इनके द्वारा जो है डीएवीपी सिकंदराबाद से द्वारा जो है यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। डीएवीपी फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आज डीएवीपी क्या है। डीएवीपी आप सर्च करेंगे ना गूगल में तो ये एक जो है
एडवर्टाइजिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जो भारत सरकार, केंद्र संचार ब्यूरो, आप हिंदी में समझ लीजिए, यहाँ पे जो है जितने भी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ये सब चीज होता है, नोटिफिकेशन आती है, वो यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं, यहाँ से आप निकालना होता है, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा, मैं खोजता हूं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहां से नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो आप यहां से जो है खोज सकते हैं। तो यहीं पे पब्लिश किया गया है ये नोटिफिकेशन, तो हम लोगों ने डाउनलोड करके आप लोगों को बताया कि ये नोटिफिकेशन जो है आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं करना है अभी, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है हो तो जाएगा, लेकिन वो जो है इनवैलिड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इनवैलिड मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो क्यों समय बर्बाद करेंगे आप यहाँ पे अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके, कोई फायदा नहीं है फॉर्म भरने का, समझ में आया ना। मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपका इनवैलिड हो जाएगा अप्लीकेशन आगे चल के। कब आएगा नोटिफिकेशन, तो देखिए जब तक कि ये वाला नोटिफिकेशन जो है DAVP पे तो जारी हो गया है, लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन जो है इस वाले वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं यहाँ पे न आ जाए, तब तक आपको नहीं आवेदन करना है। और जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में, उस दिन से आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा 110%। तो मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अभी आप जो है अप्लाई न करें, क्योंकि ये मेरा रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है न्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जब भी आप यहाँ पे वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको देखिए आएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें कि अभी वैकेंसी नहीं आई होगी, आपको वेट करना है, अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।